वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल को क्या दिया। मैं आज से नहीं हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पंजाब का आतंकवाद खत्म किया तो राजेश पायलट ने किया था जब वो होम मिनिस्टर थे। जो जो राजेश पायलट थे वैसा ही उनका बेटा आगे होकर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं क्योंकि बड़े पायलट साहब का मेरे फादर के साथ बहुत प्यार था। जब उनकी एक्सीडेंट में मौत हुई, मेरे फादर ने कहा कि इसके बाद कांग्रेस के एक बहुत बड़ा लीडर खो दिया जो हम कभी भी वो जगह नहीं भर सकते। देखिए एक मिनट सुनते जाओ। देखिए जो बेटा अपने बाप का नाम आप आगे लेकर चलता है उसे सपूत कहते हैं, तो जो बाप का नाम पीछे लेकर जाते हैं उसको कपूत कहते हैं। ये हमारा भाई सपूत बनकर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं जैसे हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने कहा कि तीसरी पीढ़ी, बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी थर्ड जनरेशन जो है कांग्रेस में है। हमने कभी कांग्रेस को पीठ नहीं दिखाई। मैं जहां का प्रभारी हूं, मैंने राजेंद्र यादव को कहा कि आप बीजेपी में जा रहे हो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा विश्वासघात मत करना, वो मेरे साथ विश्वासघात करके गया है। वो अपनी मां पार्टी के साथ जिसने उसको पॉलिटिकल जन्म दिया उसको खत्म करके गया है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने विश्वासघात और हमें धोखा दिया है। हम तो सहलेंगे, उसने बीजेपी पे जाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। मैं दीपेंद्र जी एक दिन मेरे को पंजाब में पूछने आ गए, इंटरव्यू लेने वाला, कहने लगा ईडी आएगी, विजिलेंस आएगी, जैसे दूसरे लीडर भागकर जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, आप कौन सी पार्टी में जाओगे। मैंने कहा मैं जेल में जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। यार जो मर्द है वो लड़ाई लड़ता है। तलवे चाट वाले तो बहुत हैं जो तलवे चाट कर पॉलिटिक्स करते हैं।